जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये बात भाजपा के नव निर्वाचित विधायक प्रीतम लोधी के बेटे पर एकदम सटीक बैठती है। पिता के विधायक बनते ही बेटे की गुंडागिर्दी शुरू हो गई है। पिता प्रीतम लोधी की जीत की खबर मिलने पर बेटे ने एक व्यक्ति को फोन पर धमकाया था। अब अपने ही पड़ोसी को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की है। यह पूरा मामला पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी का है। दिनेश लोधी ने रविवार की रात को जलालपुर में अपने पड़ोसियों को ही स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की। गनीमत रहे कि पड़ोसी स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन उनके घर के बाहर खड़ी हुई एक्टिवा गाड़ी स्कॉर्पियो की चपेट में आ गई। शिकायत मिलने पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर FIR दर्ज कर आनन-फानन गिरफ्तारी कर ली है। दरअसल जलालपुर निवासी रविंद्र सिंह यादव ने पुरानी छावनी थाना पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि रविवार की रात को 10 बजे दिनेश लोधी ने स्कॉर्पियो से उसे और उसके भतीजे को कुचलने की कोशिश की है। हालांकि वे दोनों स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बच गए, लेकिन उनके घर के बाहर खड़ी एक्टिवा गाड़ी स्कॉर्पियो की चपेट में आ गई। इसके बाद दिनेश लोधी मौके से स्कॉर्पियो लेकर भाग गया। यह पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV में भी कैद हो गई है। इस बात की शिकायत मिलने पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर धारा 307, 279, 337, 427 के तहत FIR दर्ज करते हुए दिनेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मतगणना वाले दिन भी प्रीतम सिंह लोधी ने जैसे ही पिछोर विधानसभा सीट से जीत दर्ज कराई थी, उसी दिन उनके बेटे दिनेश लोधी ने सिकंदर यादव नाम के एक व्यक्ति को फोन पर धमकाया था, जिसके बाद दिनेश लोधी के खिलाफ पुरानी छावनी थाने में FIR दर्ज हुई थी। सिकंदर यादव के ही एक सहयोगी राजकुमार यादव ने दिनेश लोधी से फोन लगाकर बातचीत की। इस दौरान दोनों में बहसबाजी हुई और दिनेश लोधी ने राजकुमार यादव पर भी पुरानी छावनी थाने में FIR दर्ज करवा दी थी। रविवार की रात को दिनेश लोधी ने जिस रविंद्र सिंह यादव को कुचलने की कोशिश की, वह राजकुमार यादव का भाई है। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से दिनेश लोधी और उसके विरोधियों के बीच लगातार धमकाने और FIR दर्ज कराने का सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से दिनेश लोधी ने अपने पड़ोसियों को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता के विधायक बन जाने के बाद बेटा किस कदर गुंडागर्दी पर उतारू हो गया है। एडिशनल SP ग्वालियर निरंजन शर्मा ने कहा, पुरानी छावनी थाने में रविंद्र यादव ने कल रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने घर के दरवाजे के पास खड़े हुए थे, बच्चे भी साथ में थे। दिनेश लोधी अपनी स्कॉर्पियो को तेज गति से जान से मारने की नियत से लेकर आया। वह घर के अंदर चले गए तो उसने स्कॉर्पियो बैक करके घर के अंदर घुसने का प्रयास किया। उसके खिलाफ धारा 307 समेत अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। CCTV फुटेज भी प्राप्त किए जा रहे हैं। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें खबर बेबाक के साथ।